बांडीपुरा में शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने फील्ड स्टाफ के लिए दो दिनों का ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा था। पहले रोज स्टाफ को आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के बारे में ट्रेनिंग दी गई। प्रोग्राम के दूसरे दिन फील्ड स्टाफ को बच्चे देने को तैयार बकरियों की जांच के लिए नई अल्ट्रासाउंड मशीन के इस्तेमाल की जानकारी दी गई। यहाँ हम बताते चलें कि भेड़ बकरियों की प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए डिपार्टमेंट के पास बाकायदा प्रेगनेंसी टेस्ट किट मौजूद है, लेकिन अल्ट्रासाउंड के इस्तेमाल से न सिर्फ दुरुस्त नतीजे आते हैं बल्कि वक्त पर किसी भी किस्म की बीमारी या नुक्स का पता चल जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये अल्ट्रासाउंड मशीन कई सारे मामलों में बेहद मददगार साबित होती है। बड़ी एडवांटेज है और अर्ली प्रेगनेंसी डायग्नोसिस में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अल्ट्रासाउंड का एक फॉर्म है, रोल जो है दैट इज नेग्लिजिबल, दैट इज वेरी मच एप्रिशिएबल, क्योंकि अल्ट्रासाउंड ही एक ऐसा चीज़ है जिसमें जो बर्थ डिफेक्ट्स है या बाकी चीज़ें जो हम अल्ट्रासाउंड से देख सकते हैं। बांडीपुरा के कुनन इलाके में शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का गोट फार्म मौजूद है। यहाँ आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन तकनीक कई बकरियों पर इस्तेमाल की गई और अब अल्ट्रासाउंड के जरिए ये जांचा जा रहा है कि कितनी बकरियां बच्चे पैदा करने को तैयार हैं, उनकी प्रेगनेंसी किस स्टेज पर है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल डॉक्टर्स का कहना था कि इस तरह का सेशन उनके लिए काफी मालूमती रहा। इसमें हमने इनको एयर टेक्निक पहले सिखाई है, दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ होता है एस्ट्रोसिंक्रोनाइजेशन, जिस एनिमल को ये करना है उसको पहले हीट में लाना है, उसके लिए हीट चाहे हार्मोन ट्रीटमेंट चाहे रैम का इफेक्ट होगा, दूसरे से टेक्निक से कि हम कैसे एनिमल को हीट में ला सकते। बहुत ही एक एनरिचिंग एक्सचेंज हमारे लिए रहा। इसमें एक्सपर्ट्स ने जो लेक्चर्स डिलीवर की चाहे रिगार्डिंग USG इन स्मॉल रूमिनेंट्स या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन स्मॉल रूमिनेंट्स, इसके हवाले से बहुत कुछ जो लेक्चर्स के हवाले से या हमें प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन भी यहाँ पे दिखाई गई, तो इट वाज क्वाइट एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस, बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ तरह की टेक्नोलॉजी अब फील्ड में लागू करने की शुरुआत की है और ऐसे में रिजल्ट्स को परखने के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन काफी कारगर साबित हो सकती है। न्यूज 18 JKLH के लिए बानीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट।